गया शहर के नगर प्रखंड के नैली पंचायत के बेलवाधी गांव में महादलितों की बस्ती है। इस बस्ती में सब कुछ ठीक से चल रहा था कि अचानक लोगों ने ईसाइयों के द्वारा आयोजित प्रार्थना में जाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे पूरी बस्ती ने धर्म परिवर्तन कर लिया। यह तब हुआ जब इस बस्ती की महिला केवला देवी के बेटे का अचानक तबीयत खराब हुई और डॉक्टर से इलाज कराकर थक हार चुकी थी, तो किसी ने बताया कि ईसाई धर्म के किसी के पास जाओ। उसके बाद ईसाई धर्म के लोग उसके गांव में पहुंचे, घर पर प्रार्थना की और पानी दिया। उसके बाद उसका बेटा स्वस्थ हो गया। उसके बाद इसे देख धीरे धीरे महादलित परिवारों में ईसाई धर्म के प्रति रुचि बढ़ती गई। लोग अपनी परेशानी को लेकर वहां जाने लगे। उसके बाद उसकी परेशानी दूर हो गई। उसके बाद उसके पास के गांव वाजिदपुर में किसी घर में रविवार को ईसाई धर्म के द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। उसी प्रार्थना में सभी महादलित महिला पुरुष शामिल हो गए और हिंदू धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म अपना लिया। धर्म परिवर्तन कर चुकी महिलाएं बताती हैं कि ईसाई धर्म में महिला को सिंदूर नहीं लगानी होती है। उसके बाद महादलित महिलाएं उसका पालन कर सिंदूर लगाना भी बंद कर दिया। कहा कि प्रार्थना में जब जाते हैं तो स्नान कर बिना श्रृंगार सिंदूर के जाती हैं, उसके बाद अन्य दिन वह सिंदूर भी लगाती हैं। वही कहा कि किसी ने लालच या किसी ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया है, बल्कि वे स्वेच्छा से हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया है। बताया कि अब हिंदू देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए पूजा पाठ भी बंद कर दिया है। वही गांव के धर्म परिवर्तन कर चुकी महादलित महिला सुनीता देवी ने बताया कि हम लोग बहुत परेशान थे, कभी बेटा तो कभी बेटी की तबीयत खराब रहती थी, मगर इस धर्म में आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। गया से स्वदेशवाणी के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। देखिए, दो दिन पहले ये बेलमा ताड़ की घटना धर्म परिवर्तन का न्यूज़ 18 के माध्यम से आया था, तब से विश्व हिंदू परिषद ने अपने संज्ञान में लिया। पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ही धर्म परिवर्तन का ये रामलीला चल रहा है। और ये दक्षिण बिहार प्रांत के जिम्मे के नाते हमारे अध्यक्ष जी को जब सूचना हुई तो उन्होंने हम लोग को सूचना किया कि बेलमा ताड़ एक जो गया शहर से मात्र 5 किलोमीटर के नज़दीक है और इतने बड़ी षड्यंत्र के साथ जो धर्म परिवर्तन चल रहा है वो हमारे समाज के लिए खतरा है, क्योंकि धर्म परिवर्तन एक कानूनन जुर्म है और इसका जो षड्यंत्रकर्ता जो है आज अशिक्षा के अभाव से, अविश्वास के अभाव से हर महादलित टोला को उन्होंने टच कर लिया है। अब आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और हम लोग को जब पता चला है तो हम लोग तो ऐसे ही धर्म परिवर्तन का काम हमारे जिम्मे भी है, हम लोग अपने तरीके से जो हमारा संगठन का जो तरीका है उससे मिलना जुलना, उनसे मिलने जुलने के बाद उनके जो किस कारण से वो धर्म परिवर्तन किया है, बात करने से क्या लग रहा है? बात करने से यह लग रहा है कि ये पूर्ण रूप से अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गए हैं और कई माफिया जो है, मिशनरी का जो माफिया होता है कि उनको एक टारगेट दिया जाता है कि आप इस बस्ती को इतना धर्म परिवर्तन कराएंगे तो आपके इतना राशि दिया जाएगा, ऐसा भी हम लोग को संज्ञान में आया है। और इन लोग को भी कुछ शिक्षा अशिक्षा रहने के कारण इन लोग को भी कुछ सहायता मुहैया कराया जाता है इनकी मिशनरियों के द्वारा। किस तरह का सहायता? जैसे कपड़े, बर्तन और दवाइयाँ, ऐसे निःशुल्क उनको प्रलोभन देकर इनको धर्म परिवर्तन कराते हैं। और दवा का तो इसमें मुख्य विशेष रूप से है, जो इनका अंधविश्वास ले लिया जाता है कि आपको भूत प्रेत ऐसा जो करके इनको जो परिवर्तित कराया जाता है कि आपके देवी देवताओं में कोई ताकत नहीं है, आप क्रिश्चियन को प्रार्थना करो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आपका टीवी रोग ठीक हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से अशिक्षा का अभाव रहने के कारण ये महादलित टोलाओं में उनका प्रभाव विशेष रूप से रहता है। इधर ये बेलमाताड़ और ये आपका दुबल पोखर, ये दो बस्ती मिलाकर हजारों की संख्या में इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और स्वतः इन लोग उस पर कह रहे भी रहे हैं कि हम धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि मैं किसी के बहकावे में आकर किया है, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप क्रिश्चियन की प्रार्थना करो आप सुखी हो जाओगे, आपको कुछ इसका लाभ भी आगे जाके मिलेगा। तो कई लोगों ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हम परिवर्तन किसी लोभ के कारण भी है, क्योंकि यहाँ एक राम सेवक नाम का एक क्रिश्चियन मिशनरी चलाने वाला एक यहाँ है जो इन लोगों को माइंड को परिवर्तित कर रहा है। प्रेमनाथ टैया, विभाग अर्चक पुरोहित प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद। कुछ दिन पहले जानकारी मिली कि काफ़ी लोग का धर्मांतरण हुआ है, तो फिर हम लोग इसमें लगे हैं। आप लोगों को कैसे पता चला? हम लोग को मीडिया के द्वारा ही पता चला, मीडिया के द्वारा ही पता चला।
तो फिर हम लोग आए और सारे लोग से मिले तो देख रहे हैं हजारों की संख्या में हैं लोग, हाँ समझा रहे हैं लोग को। एक दिन में तो नहीं होगा, समय थोड़ा लगेगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि सारे लोग वापस होंगे। तरफ से क्या कहना, बातचीत में निष्कर्ष से यही निकला कि धर्मांतरण के पीछे अंधविश्वास मुख्य मुद्दा है और अशिक्षा। इन लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया है कि हिंदू देवी देवताओं में शक्ति नहीं है, यीशु मसीह में शक्ति है, उसमें आप रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे। कितने लोग अभी तक कर रहे हैं? लगता है कम से कम हजारों लोग इस क्षेत्र में हैं, ऐसे काफ़ी घरों में गए हैं, लगता है एक। पहले तो हिंदू धर्म मानते थे सर। अच्छा, सामने देखिए। हिंदू धर्म मानते थे तो हिंदू धर्म मानते मानते बहुत शैतान से परेशानी थी। अच्छा, तो बहुत परेशानी होते होते कि देख तो इतना पूज रहे हैं, काट रहे हैं, कर रहे हैं, तब पर भी हमको चंगाई नहीं है। तो सुने कि यीशु मसीह का प्रचार होता है ना, तब इसीलिए हम तेल पानी प्रार्थना करके हम भी मांगे किसी से, प्रार्थना पहले करते थे तब तो हमको चंगाई है। बहुत एकदम दिल दिमाग एकदम लगता था ना हमको, एकदम पागल तरह दम को हमको रहने के दिमाग नहीं पहले करता था। तो कौन सा धर्म अपनाया? तो फिर ये धर्म यीशु मसीह फिर हम ग्रहण किए, तेल पानी लगाए तब चंगाई हो। तो हम वही दिल में फिर मन में विश्वास कर लिए, तो वही विश्वास दोबारा फिर प्रार्थना करके तेल पानी लगाए तो चंगाई हो गया। तो कितने लोग यहाँ गांव के लोग धर्म चेंज किए हैं? धर्म तो लगा कि 3-4 घर नहीं है यीशु मसीह के ग्रहण कर ले, लेकिन तो टोटल गांव कर ले। तो क्यों, कि क्या कारण है धर्म चेंज करने के पीछे? अरे सब यही बात है, परेशानियों से हो गया, यीशु मसीह के ग्रहण कर लिया। तो क्या अब जब से आप धर्म परिवर्तन किए चेंज किए हैं तो क्या आप लोग संतुष्ट खुश हैं? हाँ, दिन में तो चंगाई है। अच्छा, अपना मर्जी से हम लोग जीवन जब बच गया ना, तब अपना दिल में विश्वास करके अपन ग्रहण कर, हम लोग के कोई भी जबरदस्ती नहीं कोई बनाया सर, अपना कैसे करके जीवन बचाए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? धर्म चेंज किए हैं तो क्या बोलना चाहेंगे? बड़ा धर्म चेंज किए हैं तो क्या बोलना चाहेंगे आप? धर्म चेंज कर दिए, चंगाइए के लिए कर दिए धर्म चेंज। पहले तो हम पूजे करते थे, पर नहीं पूजते थे, अभी भी जो गांव के पुजाई होता है तभी भी बिजली देते हैं पुजाई करने के लिए। क्या नाम बोलो? सुनैना देवी। क्रिश्चियन धर्म आपने अभी अपनाई है? हाँ। कब से अपनाई है? 15 साल। 15 साल। कोई आके बोला था कि खुद से ही? नहीं, बन कोई बोला था, आप कोई गली गली किताब लेके आया ना, तो किताब लेके घूमा तो वही किताब ने आदमी पढ़ा, तो इसलिए किताब के अथी से आदमी बना और कोई नहीं जबरदस्ती बना। आप पहले हिंदू धर्म अपनाए तो उससे क्या दिक्कत लगा जो क्रिश्चियन धर्म अपनाए? कोई सुनिए सर, हमको तो दिखाते दिखाते बचपन से बड़ी 2-3 घंटा बेहोश हो जाते हैं, तब छठियाँ पाठियाँ हम दिखाएँ तो हमको ओझा नहीं सुना, तो हम मन ने दिमाग लगाए कि हम 3-3 घंटा 4-4 घंटा हम भी होश रहते हैं, 4-5 बाल बच्चा है, हम मर जाते हैं तो बाल बच्चा के कौन देखेगा, इसलिए हम यीशु मसीह ने हम बांध गया, तो यीशु मसीह के हम कारण सुखी थे। चर्च आप लोग जाती हैं? हाँ जाते हैं। तो आपका नाम? नाम तो पार्वती देवी बताए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।